धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ने पूरी मानवता को एक बार फिर शर्मसार कर डाला है, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले का, जहां गर्भवती महिला के इलाज के लिए कटनी पहुंची पीड़ित लक्ष्मी विश्वकर्मा के परिजनों ने रूपा लालवानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करवाया। इसके बाद जांच और दवाइयों के नाम पर पेशेंट के परिजनों से पैसे लेने के बाद रेफर कर दिया। वहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि पेशेंट की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दरअसल कटनी के एक निजी हॉस्पिटल में पीड़ित लक्ष्मी को परिजनों ने भर्ती किया था। इस दौरान डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 30 से 35 हज़ार की जांच और दवाइयों के नाम पर बिल बना दिया। हालांकि पेशेंट के परिजनों से पैसे मिलते ही हॉस्पिटल ने महिला के हालात गंभीर बताते हुए रेफर करने की सलाह दी। इस दौरान महिला के परिजन जिले के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे ले गए, जहां ड्यूटी नर्स ने पीड़ित महिला लक्ष्मी विश्वकर्मा की जांच करते हुए बताया कि उसकी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। लेके आया सुबह 9 बजे ये अस्पताल में, मरीज सही सलामत था। उसके बाद इलाज चला है ना, इलाज करती रही 2-3 बजे के बाद इन लोगों ने अंदर रूम में ले गए। कई प्रकार का इलाज बताई हम लोग को, अंदर जाने नहीं दी है ना, मिलने नहीं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे 8 बजने के बाद इनने बोला रिफर ले जाने के बाद मैं दिखाया धर्म लोक में, तो महिला सिस्टर वहाँ की बोल रही है महिला कब की मरी हुई है। मृतिका लक्ष्मी विश्वकर्मा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी हुई है। उनके पति ने बताया कि हम चंदिया के रहने वाले हैं, सुबह सरकारी अस्पताल ले गए थे, फिर उनको अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर लालवानी साहब के यहाँ लेके आए थे और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। जब हमें सूचना मिली, हम यहाँ आए, हमें कोई स्टाफ और डॉक्टर साहब नहीं मिले।